अच्छा लेकिन इसमें ना एक बड़ा एक एक मुख्तिफ एंगल दिया मुझे किसी बंदे ने उसने कहा कि ये डिजिटल मीडिया भी इन्हीं के चलने हैं ये इतने बड़े बड़े जो ब्रांड ने मैं जियो समा ए आर वाई नहीं, नहीं, नहीं कॉन्टेंट अपना दिखाना है इनके पास टीम्स है इनके पास पैसा है इस पर थोड़ा राय नहीं नहीं मैं इस चीज से डिसग्री करता हूँ हाँ हाँ केस इफ द डिजिटल मीडिया इज कल्ड बाय एनी सुपर इम्पोज लॉ हो सकता है हो सकता है इस में क्या नहीं हुआ नहीं टेक्निक, टेक्निकली पॉसिबल है। टेक्निकली क्यों तो नहीं पॉस, पॉसिबल, बट वो कहते हैं ना नॉन टेक्निकली टेक्निकली बड़ा पॉसिबल। है। <laughs> <laughs> पाकिस्तान में केड़ा काम टेक्निकली हो छब्बीस 26000 वी है कॉन्स्टिट्यूशन 26000 लॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बुक इन दर्ल्ड

कितना गलत इस्तेमाल होता है hmm, hmm. ये और फिर कैरेक्टर असैसीनेशन और फिर वो रेप वाला कानून

Of the social media will be curtailed in, in coming days. That is a probable thing. It will happen. Because there is no other way. How much future are you looking Within the next few weeks. <laughs> Before <laughs> elections. Before elections. Before elections. elections taking place on the इसके लिए ना मैं मैं वाहिद पाकिस्तान का जर्निस्ट हूँ बता रहा हूँ पिछले डेढ़ साल से ये बोल रहा हूँ जब के पी के और पंजाब वाली बात उस वक्त भी कह रहा था फिर इन्होंने कहा दो हजार तेईस में और वो खुशनूदियां करने वाले हमारे जर्नलिस्ट है ना, जो रोजाना हर आधे घंटे बाद खुश कर थी नहीं आप शाम में ये हो रहा है वो क्या क्या, क्या, क्या नहीं, नहीं नहीं अभी हो रहा है अभी फलान जज साहब ने ये कह दिया फलान कहता था नहीं होंगे इलेक्शन ये जो शक्लें आई है अनोर काकड़ साहब यार

अंडर प्रोसेस <laughs> के इफ्तता तो हो रहे हैं बने बनाया के ऊपर चेपियां चेपियां लग रही है ये बताया जरा ये चेपियां बकरियों के ऑपरेशन हो के उनकी वीडियो रिलीज हो रही है और भाई तेरा काम सीगा उठे 90 दिन के अंदर इंतخابات कराना वो नहीं करा ठीक है, है? उसके ऊपर बात करो ना उनका चेहरा बदल जाता है यही काम आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का है तो जो ये शक्लें आपके नजर में बैठी हैं और जो ये काम करते फिर रहे हैं अब मुझे है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है कि वो सेमिनार जाके होल्ड करे और बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले ये मैंडेट तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का होता है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं होता जो आया ही नब्बे दिन के लिए वो जा रहे हैं कभी लम्स में बैठ रहे हैं कभी खान यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं और फिर भी माजत के साथ वो हो जाती है वो होने के बावजूद कहते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं मैं एक मुशायरे में गया स्टूडेंट था उस वक्त तो एक शायर आए हुए थे मैं नाम नहीं लूंगा उनका <laughs> तो वो ना उनको शेर पढ़ना नहीं आ रहा था और वो, वो पढ़ी ही जा रहे थे ना पढ़ी ही जा रहे थे ना शेर <laughs> मैं ये कहता हूँ कि तुम ये कर लो तो ये वो कहती थी तुम ये कर लो तो उधर से लोग जो है ना वो ना तंज में कह रहे वाह 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 जा वा रहे वा हैं कुछ में नहीं नहीं लोग करी जा रहे हैं वाह 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 और वो जब

इलेक्शन आठ फरवरी को होंगे पहली सूरत ये वो कैसी हो सकती है वो कंडीशनली हो सकती है कैसे इमरान खान साहब की पार्टी डिसमेंटल हो जाए ओके इमरान खान साहब को सजा हो जाए किसी भी केस के अंदर ठीक है बल्ला इलेक्टोरल साइन खत्म हो जाए ठीक है और तहरीक इंसाफ को कलदम करार दे दिया जाए ये थीक थीक तीन चार चीजें हो गई तो इलेक्शन आठ फरवरी की जगह आप चार जनवरी को करा लो वो फिर एक्सेप्टेड होगा ठीक है ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता कैसे हो सकता है जैसे अभी फिर अचानक से एक फैसला आ गया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है अगर खान साहब का कोई भी केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ऊपर चला जाता है और बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है और उनको फौरन सजा हो जाती है तो आठ फरवरी को इनके हो जाएंगे हुँ, हु. और अगर ये नहीं होता आठ फरवरी को किसी का बा भी नहीं करा सकता okay. है मेरी बात ये कंडीशनल है अच्छा ये नहीं मुझे इस बात से जो समझ आ रही है वो ये आ रही है और लग भी यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीकान इंसाफ या इमरान खान साहब किसी भी किस्म का हिस्सा नहीं होंगे आने वाले इलेक्शन के बाद की हुकूमत में सुबह नहीं पैदा होता एज ऑफ नाव देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स कोई एक बड़ा इवेंट आया ना पिछले सारे इवेंट बैठ जाते हैं कोई बड़ा वाक्य हो जाए और उसके अंदर से कुछ बड़ा निकल रहा है कोई हैवी वेट का प्रेशर आ जाए तो फिर तो समझ में आती है कि शायद कुछ चेंज हो जाए लेकिन एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो यही है वो नहीं है ओके हाँ। बहुत ही पॉलिटिकल हो गए आप लेकिन मुझे ये मजा आ रहा है कि आप वो उससे बाहर आए हैं वो टीवी वाले एंकर से बाहर आए हैं आप थोड़ा सा हाँ। खुल के आप बात करें